हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमें दे रखा है टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर मूविंग विद स्पीड वी ए एंड वी बी रेस्पेक्टिवली इन द सेम डायरेक्शन, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज। और यहाँ पे हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं गाइस, ठीक है। तो गाइस हमें क्वेश्चन में कह रखे हैं कि जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं वो मूव कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, तो हम दोनों की जो वेलोसिटी को कंसिडर करेंगे वो पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। और गाइस यहाँ पे जहाँ मैंने कार्स लिख रखा है यहाँ पे होएगा हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है गाइस, यहाँ पे होगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो गाइस जो हमें क्वेश्चन में दोनों ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी दे रखी है और स्पीड दे रखी है वो दे रखी है हमें विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है वी ए जी इज इक्वल टू वी ए और बी सॉरी गाइस वी बी जी इज इक्वल टू वी वी, ठीक है गाइस। और ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं इसलिए हम इसको पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं। अब गाइज हम क्या करेंगे, नाउ वी कैलकुलेट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, जो कि हमें चाहिए, फिर हम इसी से मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो फिर उसका जो फॉर्मूला है वो ये होगा वी ए बी इज इक्वल टू वी ए जी माइनस वी बी जी, ठीक है गाइज। तो अब हम वी ए जी की जगह रख देंगे वी ए, जो कि हमारी स्पीड ऑब्जेक्ट ए की, और वी बी जी रख देंगे जो और वी बी जी की जगह हम रख देंगे वी बी, जो कि हमारी स्पीड ऑब्जेक्ट बी की। तो ये हमारी एक इक्वेशन आ रही है। अब हमने इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो हम दो बार्स लगा देंगे जो कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लगा दिया है। तो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या आ रहा है, वी ए माइनस वी बी। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो सही होगा। और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। थैंक यू गाइज़।